ब्यूरोक्रेसी ने सिंध के नए वजीर आला मुराद अली शाह के साथ ही वही सलूक करना शुरू कर दिया है जो साई सरकार के साथ करते थे। वजीर आला सिंध ने दो रोज कबल सिंध सेक्रेटरीट में होने वाले इजलास में हर DMC को अपने इलाकों से कचरा उठाने की हिदायत जारी की थी। 48 घंटे में कचरा न उठवाने पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को फारिग किए जाने के एनडीए को भी मजाक ही समझा गया। शहर में ना तो नालों की सफाई की गई है और ना ही कचरे के ढेर उठाए गए हैं। शाराई फैसल, कटी पहाड़ी, सदर, गुलस्तान जौहर और दीगर इलाकों में अब भी कचरे के ढेर मौजूद हैं। शहर में दोबारा बारिश की सूरत में पानी की निकासी ना होने पर सूरत हाल खराब होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बलदियाती अफसरान और मुलाजमीन को शहर की सफाई सुथराई के लिए दी गई 48 घंटे की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर इलाकों में ताहाल कचरे के ढेर मौजूद हैं। राशिद खान वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा इस वक्त गुरु मंदिर के इलाके में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। राशिद, इससे पहले कायम अली शाह भी डेडलाइंस दे चुके हैं, मुतअद्दिद बार कायम अली शाह ने भी डेडलाइंस दी लेकिन कुछ काम होता नजर नहीं आया। 48 घंटे की डेडलाइन भी गुजर चुकी है, सफाई सुथराई नहीं हुई, क्या तफसीलात है गुरु मंदिर से? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कराची के बलदियाती इदारों KMC को, DMC को और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर शहर को साफ़ किया जाए वरना उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कचरा नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, ये गुरु मंदिर के करीब जिगर मुराद आबादी रोड है, मशहूर चौराहा यहाँ की। मेरे दाएँ हाथ पर जो है वो है मेट्रोपोलिटन कॉलोनी और बाएँ हाथ पर जो है सेवानी कॉलोनी है। ये एक मशहूर इलाका है और यहाँ करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी लोगों की मौजूद है, मकानात है, बिज़नेस है यहाँ पे लोगों का और मुख्तलिफ मकानात है जिसमें लोग रिहाइश रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से कचरा और बदबू ने यहाँ के शहरियों का जीना जो है वो दोबर कर दिया है। यहाँ मुसलसल कई अरसे से कचरा पड़ा हुआ है, वाटर बोर्ड की जानब से यहाँ पे खुदाई की गई थी, वो भी पानी वहाँ से निकल रहा है, उसका भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जगह जो है ये एक मशहूर शाहराह हुआ करती थी और यहाँ से ट्रैफिक गुजरती थी, लेकिन अब कचरा मौजूद है जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी है और तकरीबन एक साल से कहा जा रहा है कि एक साल से यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए और यहाँ साफ़ करने के लिए कोई नहीं आ रहा। जैसे हम यहाँ पहुँचे, वक्त न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है तो उसके कुछ ही टाइम बाद ही यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची और उन्होंने सफाई करने की कोशिश की है, लेकिन सफाई करते हुए वो मुकम्मल सफाई नहीं करते नज़र आ रहे। गाड़ियाँ आ गई है और गाड़ियाँ रुक गई है। वज़ीर आला ने हुक्म दिया था कि शहर को साफ़ किया जाए, लेकिन शहर कराची में उनके हुक्म को मुकम्मल तौर पर, उनके हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा और अभी बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं।